व्यूअर्स हो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीबीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर के एक्सपेक्टेड कटा 2024। मेरे वेबसाइट और मेरे जो है व्हाट्सएप पे कई सारे लोगों ने डिमांड किया था कि जो है इसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बना रहे हैं। इसका जो है जैसे लोगों के पास जो लोगों ने एक क्वेरी हमारे से पूछा था कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या होता है और एग्जाम पैटर्न क्या होता है और मैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना तक ले सकता हूँ, आप इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बता दीजिए और साथ में जो है सिलेक्शन प्रोसेस है क्या क्राइटेरिया है। तो कई लोगों ने इसका जो है क्वेरी पूछने के बाद तो मैंने थिंकिंग किया कि चलते हैं इसकी एक वीडियो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे गाइस आप वीडियो साथ में रहिए, कंप्लीट रूप से आप वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को सारा समझ में आएगा। तो डेफिनेटली ले चलता हूँ मैं अपने मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे गाइस मैं बात करूँ जो है इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इंडो टाइबेटन और बॉर्डर पुलिस फोर्स होते हैं, पोस्ट नेम आपका कॉन्स्टेबल ड्राइवर होते हैं, आप तो ये जानते होंगे। जो वैकेंसीज पर जो लेटेस्ट रिलीज की गई थी 545 वैकेंसी रिलीज की गई थी। एप्लीकेशन का जो मोड है ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऑनलाइन डेट आपको जो है 8 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक है, आपको काफ़ी टाइम दिया जा रहा है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की गाइस बात करूँ तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, रिटन एग्जामिनेशन है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, DME कर एंड आप जो RME राउंड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करूँ तो 21 ईयर्स होनी चाहिए और 10th पास का जो डिमांड किया गया है। इसमें सैलरी जो है स्टार्टिंग बेस जो है 21,700 से लेके 6,900 तक इसकी बेसिक सैलरी है। जो लोकेशन इंडिया का आप किसी भी कोने में जाके इस जॉब कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके सारे जो इन्फॉर्मेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिक्रूटमेंट अगर ITBP पुलिस NIC.in है। फिर हम ITBP कॉन्स्टेबल ड्राइवर के रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो गाइस यहाँ पे ITBP कॉन्स्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिल जाएगा। इवेंट और डेट्स होता है ITBP कॉन्स्टेबल की जो नोटिफिकेशन रिलीज किया था 12 सितंबर को, जो फॉर्म अप्लाई करना शुरू हुआ था 8 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक इसकी लास्टिंग डेट है। इसका एडमिट कार्ड मैं जल्द ही जो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा या तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। इसके एग्जाम डेट कब होंगे, रिजल्ट कब आएंगे, सारा जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप रिमाइंड ले सकते हैं। गाइस यहाँ पे बात करें ITBP कॉन्स्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 209 वैकेंसी आई है, जो है SC के लिए 77, ST के लिए 40, OBC के लिए 64 और आपका जो है EWS के लिए 55 वैकेंसी, टोटल आपको 545 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो इतनी सारी वैकेंसी आई है और साथ में इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है लिमिट एज यहाँ पे मिनिमम 21 है और जो है मैक्सिमम 27 है। आपको एज रिलैक्सेशन आपको 5 ईयर SC/ST के लिए और OBC जनरल से तो 3 ईयर्स आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो गाइस मैंने बता ही दिया था और क्या क्या प्रोटोकॉल होता है इसमें। इसमें जो है सिलेक्शन स्टेज आप इसको मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी कोने में इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आप बात करें जो है PST के जो है मेन डिटेल्स के बारे में, यहाँ पे ऑनकोर ऑल अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए जाए हाइट ऑफ 170 cm का डिमांड है, चेस्ट 1 cm अनएक्सपेंडेड 80 है और एक्सपेंडेड आपका 85 है। फॉर कैंडिडेट फिलिंग द कैटेगरी ऑफ है आप गढ़वाली जो है गोरखा डोगरास यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इतने सारे हैं तो इनके लिए 165 रखा गया है। अब क्या है 165 इसके जो हाइट इन द सेंटीमीटर में और साथ में जो है अनएक्सपेंडेड 78 है, कर एक्सपेंडेड आका 83 है। कश्मीर रीजन के लिए यूनियन टेरिटरी के लिए आप इसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैंडिडेट पर वहाँ से हैं मणिपुर से, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तो इनकी जो हाइट होनी चाहिए 162.5 होनी चाहिए और अनएक्सपेक्टेड में 77, एक्सपेक्टेड में 82। ऑल कैटेगरी बिलियन टू देंडिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लिए 160 डिमांड है, 76 आपको जो अनएक्सपेंडेड और एंड 81 है।
फिर हम बात करेंगे गाइस इसके जो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने बता दिया था कि जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है, और इसमें हम मेन पॉइंट है कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या है। तो कई सारे लोगों का डाउट रहता है इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, लोगों को ये भी नहीं मालूम कि इसमें कितने मार्क्स होते हैं। तो डेफिनेटली नहीं मालूम होगा क्योंकि वो स्टार्टिंग फॉर्म डाले हैं, तो इसको रीड करेंगे तभी उनको उनके बारे में जानकारी होगा। तो गाइस जो है इस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, तो इसलिए तो मैं हर चीज़ का हमारे पे आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। आप वीडियो वॉच करके आपको जो है कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर मिलेगा एग्जामिनेशंस के लिए। यहाँ पे अगर रिटर्न एग्जाम कंप्राइज ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ITVP ड्राइवर एग्जाम कंसिस्ट 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स होते हैं, एग्जाम ड्यूरेशन विल बी द 2 आवर्स के होते हैं। इसमें देख सकते हैं गाइस यहाँ पे GK जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 पूछा जाता है और इसके 10 मार्क्स हैं। मैथमेटिक्स के लिए आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है तो इसके मार्क्स आपका 10 है। हिंदी के लिए 10 है तो इसके भी 10 है। इंग्लिश के लिए 10 है तो इसके लिए भी 10 है। ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन MCQ इसमें 60 है तो इसका भी 60 है, तो टोटल आपका 100 हो जाएगा, तो इसका भी जो है 100 हो जाएगा। तो ड्यूरेशन 2 आवर्स की प्रोवाइड की जाती है। ITVP कॉन्स्टेबल ड्राइवर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट लोगों ने पूछा था कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गाइस आपके पास जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड हैवी व्हीकल अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो बेटर है, आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ये भी चल जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपकी क्लेमिंग रिलैक्सेशन साइट का भी होना चाहिए, डोमिसाइल भी होनी चाहिए, और फोर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, इतने सारे जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है। अगर आपके पास जो है प्रूफ में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप सिंपली जो है आधार कार्ड एक जगह पे यूज कर सकते हैं, तो इनकम टैक्स जो है पैन कार्ड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट की बात करें तो देखने को जो मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप रेट कर लीजिएगा। और इसके जो है मेरिट लिस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे जो है टोटल रिटर्न एग्जामिनेशन 100 मार्क्स होते हैं, और इसमें PET क्वालिफाइंग होना चाहिए, PST भी क्वालिफाइंग होना चाहिए, ड्राइवरी टेस्ट आपका जो है 50 का है ये भी जो है क्वालिफाई होना चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एग्जैक्टली एग्जाम आपको जो है ये आपको एग्जैक्टली पोस्ट दे दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके जो कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कितने तक मेरी इसकी बन सकती है, तो इसमें गाइड जनरल के लिए 80-85% जो भी सीख ले, 70-75% SC के लिए 60-65% और ST के लिए 50-55%, EWS का 60-70% तक इसके जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकते हैं। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।